स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अभी पिछले लग मीन्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। डिटेल डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर में, सारे स्टेट वाइज सारे स्टडी कट ऑफ प्लस कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा क्या क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ होने वाली है। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना यार, एक ही बार बोलूंगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 1 अप्रैल को, तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है सारी चीज़ों में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जो भी डाउट हो इस चैनल के थ्रू सॉल्व होते हैं हर बार, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। और उससे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जो फाइनल कट ऑफ आती है वो आपकी 100 मार्क्स में से आती है, वेट इज स्कोर 100 मार्क्स में से आपके मान लो 40 मार्क्स है, तो ये 200 में से है ना, 200 में से इसको भी डबल करना है, सीधी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो वो वेट स्कोर हाफ करके देते हैं। अभी बस पीओ में अलग कैलकुलेशन है, क्लर्क में अलग है, ठीक है, वो हाफ कर देते हैं प्लस। और जो कट ऑफ होती है सेक्शनल कट ऑफ का भी डाउट स्टूडेंट को कि सेक्शनल कट ऑफ क्या, हर स्टेट की अलग अलग होती है, हर स्टेट की अलग अलग नहीं होती है, ऑल ओवर इंडिया की एक ही सेक्शनल कट ऑफ होगी कैटेगरी वाइज। जैसे ओबीसी की सेक्शनल कट ऑफ सब पूरी इंडिया की सेम, एससी की सेम, एसटी की सेम, यूआर की सेम, ईडब्ल्यूएस की सेम, ऑल इंडिया सेक्शनल कट ऑफ सेम रहती है जैसे, ठीक है, समझ में आ गया। ये डाउट रहता है बहुत स्टूडेंट को। प्लस अगला डाउट ये है कि कितने मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से तो आपको कौन सी प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। मोस्टली जो मेरे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके 3 से 5 मार्क्स तो ऊपर है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड मिल ही जाती है आपको जो आपने भरी है, अगर उसमें वैकेंसी है तो, ठीक है। अगर आपके 1 मार्क्स ज़्यादा है या 0.5 है तो आपको थर्ड के आसपास मिल जाती है, अगर बिल्कुल कट ऑफ के इक्वल है तो फोर्थ प्रेफरेंस या फिफ्थ प्रेफरेंस मिलती है आपको, ठीक है। बट अगर प्रेफरेंस का रिलेशन मार्क्स से जरूर है, बट अगर आप सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग आपकी होती है ना, पोस्टिंग से आपके मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नो रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे सर कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा है तो क्या मेरे को होम पोस्टिंग मिलेगी, नहीं। होम पोस्टिंग बहुत सारे फैक्टर्स पर मैटर करती है, जैसे होम पोस्टिंग जहाँ आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए सबसे पहले, अगर वैकेंसी है तो ज़्यादा चांसेस है आपको मिल जाएगी, ठीक है, अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको दूर मिलेगी। तो जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको लक पर डिपेंड करेगी, ठीक है, ये तो क्लियरली है, एक ही चीज़ है जो आपके लक पर डिपेंड करेगी, ओके। तो ये सारे डाउट क्लियर कर दिया। प्लस बहुत सारे स्टूडेंटों को, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कॉपी किया है किसी से, तो वो गलत है आप लोगों का डाउट, क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर से ये कट ऑफ मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो अभी बनाने लगे हैं वो मेरे बाद बनाने लगे हैं, वो मेरा देख के वीडियो बनाने लगे हैं, तो आप ये डाउट क्लियर कर लो। मेरा चैनल 2020 से है, 20 अक्टूबर से, आप जाके देख लेना, हर साल की वीडियो, हर साल मैं कट ऑफ शेयर करता हूँ और उसके आसपास ही कट ऑफ रहती है, ठीक है। और एस बी ए क्लर्क में भी मैंने सबसे कम बताई थी, जो कट ऑफ बताई थी प्रीस की वही थी, और मेंस की भी मैं शेयर करूँगा जल्दी, ठीक है। प्लस एक और चीज़ आप जाके देख लेना, मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है कि आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या होगी, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा, आई बी पी एस क्लर्क का ज्वाइनिंग प्रोसेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बी पी एस क्लर्क पी ओ का क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मैंने मेरा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था उसको पूरे को मैंने शेयर किया है कम्प्लीट, तो जाके देख लेना। प्लस वैकेंसी कितनी हो सकती है वो भी मैंने शेयर किया है। और उसके अलावा अगर अभी तक तो आई बी पी एस ने पोस्ट प्रेफरेंस का जो इस बार नया स्टार्ट किया था, पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ भी अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं दिया है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस का करेंगे, बट अगर आने वाले 2 से 3 दिन में अगर कुछ करते हैं तो जो ये कट ऑफ बताइए इससे भी कुछ कट ऑफ और गिर जाएगी, एक मार्क्स और कम कर लेना इससे, 1 से 2 मार्क्स, ठीक है, उसका भी फर्क पड़ेगा। बट अभी तक नहीं किया है तो चांसेस है कम है कि क्या करें, हो सकता है 1 अप्रैल को ही कुछ नया करें, वो खुद ही सेग्रीगेट करके लाए आई बी पी एस, ठीक है। तो चलते हैं अपन कट ऑफ पे। तो देखो लास्ट ईयर की जो एग्जैक्ट कट ऑफ थी आई बी पी एस की वेबसाइट पर जो आई थी, तो ये आंध्र प्रदेश की थी, सबकी जनरल की, आप अपने स्टेट स्टेट की देख लो, जनरल की आंध्र प्रदेश की 41.13, तो इसको डबल कर देंगे अपन, तो 82.26 ये मिनिमम कट ऑफ है। मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या लॉजिक है, मिनिमम की इतने मार्क्स तो ही है और मैक्सिमम भी आई बी पी एस देता है कि मैक्सिमम इतना स्कोर गया है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। मिनिमम में भी सेलेक्ट हो गए तो भी आप सेलेक्ट हो, मैक्सिमम में सेलेक्ट होंगे तो भी आप सेलेक्ट हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। अगर आपके किसी के 41.13 मार्क्स ही आए एग्जैक्ट तो वो भी सेलेक्ट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की 36.13 है, आसाम की 39.50, बिहार की 42.25, चंडीगढ़ की 40.13, छत्तीसगढ़ की 40.63, ठीक है, दादर नगर हवेली की 31.3 है, और न्यू दिल्ली की 44.75, हायर जोन में रहता है गोवा की 38, ठीक है, और एमपी की बात करें एमपी की 42। तो ये आप अपने अपने स्टेट की देख लो, उस अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज भी देख लो, तो मैं अभी यूआर की बताऊंगा आप लोगों को, उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना डिफरेंस देख सकते हो कि क्या डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। तो गुजरात की लास्ट ईयर 40.75 रही थी यूआर की, क्योंकि गुजरात से वैकेंसी विड्रॉ हो गई थी, वैकेंसी बढ़ी नहीं और कम हो गई, ठीक है, और चलो। और ये पंजाब राजस्थान ये सब की है, तो आप अपने अपने स्टेट की देख लेना, ठीक है, ये यूआर की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, ये ओबीसी है, ये एससी एसटी की है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। सबसे पहले थोड़ा वैकेंसी के ऊपर भी बात कर लें, वैकेंसी का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि हर बार अलग अलग वैकेंसी बढ़ जाती है 1 अप्रैल को। लास्ट ईयर ऐसा गेस था जब वैकेंसी कम हो गई थी, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर टोटल फाइनल जब रिजल्ट आया तब 282 वैकेंसी थी, ठीक है, और इस बार जब नोटिफिकेशन आया 77 वैकेंसी थी, फिर बाद में अभी करंट जो इंडियन बैंक ने
वैकेंसी ऐड की है, प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐड की है, उसके बाद 111 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो अब देखो जो प्री का रिजल्ट दिया, ठीक है, प्री का जो रिजल्ट दिया था वो इस वैकेंसी में दिया था, उनके हिसाब से अप्रोक्स जो अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बुलाने, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 770 बुलाने थे। ठीक है, अब उसमें से 111 लेना, तो रेशियो का फर्क तो पड़ ही गया ना, उन्होंने 77 के हिसाब से बुलाए। ठीक है, ऐसा होता नहीं कि 10 टाइम बुलाते हैं, वो 10 टाइम से ज़्यादा ही बुलाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें IBPS के कैलेंडर जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखते हैं एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर द मेंस, ये लाइन लिखी होती है। ठीक है, तो 111 वैकेंसी अभी है, प्लस अभी यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूनियन बैंक ये वैकेंसी और ऐड करते हैं, तो कुछ वैकेंसी और बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब वैकेंसी बढ़ी है, तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, यूआर ओबीसी की मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा दूर लिखता हूँ। ओके, तो आंध्र प्रदेश के यूआर की कट ऑफ जा सकती है 42.5, ये 100 में से बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, और ओबीसी की जा सकती है 40.25, और अगर पोस्ट प्रेफरेंस प्ले में आती है तो कट ऑफ ये और भी कम हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, आसाम की बात करें, आसाम में 142 वैकेंसी थी जब फाइनल रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, इस बार 79 वैकेंसी थी जब नोटिफिकेशन आया, और अभी ये 124 हो गई है BOB और इंडियन बैंक के ऐड होने के बाद, तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कट ऑफ रहने के चांसेस है यूआर की 40.5। ठीक है, और ओबीसी की 35.25। बिहार की बात करें, बिहार में 202 वैकेंसी थी, अभी 235 हो गई है BOB और इंडियन बैंक के ऐड होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट ऑफ 40.5 जनरल की, और 38.25 रहने के चांसेस हैं ओबीसी के। ठीक है, अब चंडीगढ़, अब अगर आप बोलोगे EWS और SC ST के कितनी जाएगी, तो वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी क्या है, मैं जस्ट दो कैटेगरी के बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से डिफरेंस देख लेना, यूआर से आप अपना यूआर को मान के डिफरेंस देख लो लास्ट ईयर से। ठीक है, चंडीगढ़ में 28 थी लास्ट ईयर, इस बार 6 वैकेंसी है, 6 ही है, कोई बड़ी नहीं है, चंडीगढ़ हायर जोन में ही रहता है, तो चंडीगढ़ की कट ऑफ 43.5 रहने के चांसेस है 36.25। छत्तीसगढ़ की बात करें, तो 105 वैकेंसी थी लास्ट टाइम, अभी 135 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 37.5 रहने के चांसेस है जनरल के, ओबीसी के 36.5। ठीक है, अब बात करें न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली में लास्ट ईयर 338 वैकेंसी थी, अभी 315 है, जो पहले 250 थी वो बढ़ के 315 हो गई है। ठीक है, फिर भी न्यू दिल्ली हायर जोन में रहता है, न्यू दिल्ली कट ऑफ रहेगी 43.75 के आसपास, ओबीसी की रहेगी 37.25। ठीक है, गोवा की 54 वैकेंसी थी, 54, इस बार 42 वैकेंसी है। ठीक है, तो गोवा की यूआर की कैटेगरी कट ऑफ है 39, और इसकी 38.75। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात में देखना दोस्तों कट ऑफ बहुत गिरेगी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भर के वैकेंसी ऐड कर दी है। ठीक है, क्योंकि 295 वैकेंसी लास्ट ईयर टोटल थी, इस बार 247 तो नोटिफिकेशन में आई थी, प्लस उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट की, इंडियन बैंक ने ऐड की, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 248 वैकेंसी ऐड करी है, तो गुजरात में लगभग 500 वैकेंसी है, और अपन मान के चले यूनियन बैंक, यूको, अगर पंजाब एंड सिंध, ये कुछ वैकेंसी भी देते हैं, तो 550 वैकेंसी भी अगर ऐड होती है यहाँ पे, चांसेस मुश्किल है, फिर भी 50 भी ऐड होती है, तो कट ऑफ बहुत गिरेगी गुजरात की, डेफिनेटली गिरेगी, तो गुजरात की जो यूआर की कट ऑफ होने वाली है वो 36.50। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ है 33.25, नोट कर लेना आप लोग ये कट ऑफ। ठीक है, हरियाणा की बात करूँ, 172 कट ऑफ गई है लास्ट, सॉरी कट ऑफ नहीं, 172 वैकेंसी थी, इस बार 187 थी, फिर 3 वैकेंसी बढ़ी थी, टोटल 190 वैकेंसी हरियाणा में, और हरियाणा हमेशा हायर जोन में रहता है, हरियाणा की कट ऑफ 80 पार ही जाती है, इस बार चांसेस है 42.75 जनरल के, और ओबीसी के 37.75। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी लास्ट ईयर से कम है थोड़ी सी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश भी हायर जोन में रहता है, जनरल की बात करें 43.75 है हिमाचल प्रदेश की, और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें, तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ थोड़ी सी डाउन रहती है 32.25। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें, 35 वैकेंसी थी, इस बार 15 ही है, वैकेंसी काफ़ी कम है, जम्मू कश्मीर की यूआर की कट ऑफ तो हाई ही जाती है 43.25, और यहाँ रहेगी 36.25। ये मैं पहले से, मैंने 2 दिन से मैं एनालिसिस ही कर रहा हूँ, लास्ट जो 3 साल की कट ऑफ का है उनका एनालिसिस करके ये मैंने बनाई है। ठीक है, झारखंड की बात करें, झारखंड की 112 है, इस बार अभी 60 वैकेंसी है। ठीक है, तो झारखंड की कट ऑफ रहने के चांसेस है 43.75, इधर 38.25। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कर्नाटका, कर्नाटका में लास्ट ईयर वैकेंसी थी 320, इस बार वैकेंसी 253 थी जब प्री का रिजल्ट हुआ, तो 492 वैकेंसी अभी हो गई ऐड होने के बाद, तो यहाँ पे 253 वैकेंसी थी, तो इन्होंने मान लो 350 बच्चे के हिसाब से मेंस में बुलाए होंगे, कि 350 वैकेंसी है उस अकॉर्डिंग मेंस के लिए बुलाए होंगे, बट वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ गई यहाँ पे, अप्रॉक्स डबल हो गई है, तो कर्नाटक में भी कट ऑफ जो है यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा गिरने के चांसेस है। ठीक है, तो कर्नाटक की कट ऑफ जो यूआर की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 36.25, ओबीसी की रहेगी 35.2। ठीक है, केरला की बात करें, केरला हमेशा हायर जोन में रहता है, केरला में लिटरेसी कितनी आप लोगों को पता ही है, तो 136 वैकेंसी इस लास्ट ईयर, इस बार 97 है, तो केरला की इस बार कट ऑफ 44
और ओबीसी की 39.50, ठीक है। एमबी की बात करें 321 वैकेंसी थी मध्य प्रदेश की लास्ट ईयर, इस बार वैकेंसी भी अच्छी है 453। एमबी में भी आपको कट ऑफ गिरने में दिखेगा, देखना एमबी कट ऑफ जा सकती है 38.50, और यहाँ 35.50, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लास्ट ईयर से वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लास्ट ईयर 768 थी, इस बार 555 वैकेंसी है, वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 40.25 वैकेंसी, यूआर की कट ऑफ और इसकी 39.75, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों के ये जो चार स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाले चार यहाँ पे हैं, आसाम वगैरह पहले आ गए, ठीक है। तो ये जो चारों की, इनकी मैं ओनली जनरल की बताऊंगा क्योंकि इनकी कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ वैकेंसी अभी कोई अच्छे से रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो मणिपुर की 37.75, मेघालय की 35, मिजोरम की 32, नागालैंड की 35.25, ये रहने के चांसेस है, ठीक है, ओनली यूआर की बता रहा हूँ मैं। ओडिशा की बात करें 171 वैकेंसी थी लास्ट, इस बार 87 ही है, वैकेंसी कम है, ओडिशा में भी हायर जोन में ही रहता है ओडिशा, 43.50 और इसकी 42.25, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पंजाब, पंजाब की 230 वैकेंसी थी लास्ट, इस बार 337 है, और पंजाब भी हायर जोन में ही रहता है, पंजाब हायर जोन में मतलब 80 प्लस कट ऑफ ही रहती है पंजाब की मोस्टली, तो यहाँ कट ऑफ जाने के चांसेस है 42.25, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 38.25 के आसपास, ओके। नेक्स्ट बात करें अपन राजस्थान की, राजस्थान में भी इस बार बल्ले बल्ले हो गए हैं क्योंकि 201 वैकेंसी लास्ट ईयर थी जब नोटिफिकेशन आया, तो 176 वैकेंसी थी राजस्थान में, बट जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा प्ले में आया तो वैकेंसी बढ़ गई और 360 वैकेंसी हो गई राजस्थान में अभी राइट नाउ, ठीक है। बस बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी विड्रॉ ना करे क्योंकि 5 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया मर्जर की वजह से, बट इस बार चांसेस है, और इस बार चांसेस है कि यूनियन बैंक बहुत कम वैकेंसी रिपोर्ट करेगा एबीपीएस क्लर्क में, उसका रीजन उसका भी मर्जर हुआ था, तो वहाँ भी स्टाफ, वैसे तो स्टाफ सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में कम है, फिर भी 360 वैकेंसी राजस्थान की है, तो राजस्थान की कट ऑफ कम दिखेगी आपको इस बार, 80 से कम में रहेगी राजस्थान की, देखना आप 39.75 और 38.25, ठीक है। 80-81 के आसपास रहेगी राजस्थान की जनरल की, और ओबीसी की रहेगी 38.25, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। सिक्किम की कट ऑफ यूआर की 39, और ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, एक ही वैकेंसी है इस बार, ठीक है। अब बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लास्ट ईयर 674 वैकेंसी थी, और वैकेंसी जब रिपोर्ट हुई थी 291 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी है, 9 वैकेंसी नहीं है ना, हो अभी वैकेंसी कितनी है वो 653, तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है, लगभग 3 गुना, ठीक है, 300 वैकेंसी के आसपास लगभग बढ़ गई है, तो इससे फर्क तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तमिलनाडु में फर्क पड़ने वाला है, तमिलनाडु की यूआर और ओबीसी, ठीक है। तो तमिलनाडु की यूआर की कट ऑफ रहने वाली है 41.25, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 40.25 हो गए तमिलनाडु की, ठीक है, और यहाँ जो ओबीसी की कट ऑफ है वो होगी 39.50। तेलंगाना की बात करें 182 वैकेंसी थी इस बार, 64 ज़्यादा वैकेंसी नहीं है तेलंगाना में इस बार, तेलंगाना की 40.75, तेलंगाना की ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती है स्टेट की, और ओबीसी की रहेगी 39.75। त्रिपुरा में 23 वैकेंसी थी इस बार, 18 वैकेंसी है त्रिपुरा में, त्रिपुरा की 37.50, यूआर की इसकी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। यूपी की बात करें, यूपी में 1169 1169 वैकेंसी थी, और इस बार जब रिपोर्ट हुई थी 752, बढ़ के ये हो गई है 1249, अच्छी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, तो यूपी की जनरल की कट ऑफ 40.25 रहने के चांसेस है, और ओबीसी के 35.75। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की 52 इस बार 34 वैकेंसी है, तो कट ऑफ के चांसेस है, उत्तराखंड 80 प्लस में ही रहता है 42.25, और ओबीसी में यहाँ थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रहता है 32.50। वेस्ट बंगाल की बात करें, 416 वैकेंसी थी, अभी 405 है, अप्रोक्स सिमिलर वैकेंसी, प्लस वेस्ट बंगाल भी 80 प्लस वैकेंसी में, 80 प्लस कट ऑफ में रहता है, तो यहाँ चांसेज है 42.75 के, ठीक है, और 37.50, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ, वीडियो को या लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि मैं हर बार इसको एनालिसिस करके कट ऑफ शेयर करता हूँ अच्छे से, उसके आसपास रहती है, अभी कितनी वैकेंसी होगी फाइनल वैकेंसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो जाके भी देख लेना एक बार, वो जाके देख लेना, ज्वाइनिंग प्रोसेस देख लेना, और मेरी ट्रेनिंग का एक ब्लॉग भी मैंने अपलोड किया है आप लोगों को, ताकि अभी, क्योंकि अभी ऐसा मन हो रहा होगा कि अभी पढ़ाई ना करें जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ये डेफिनेटली जो 20 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का जो टाइम रहता है ना, 10 दिन 1 अप्रैल तक का, ये टाइम बहुत एस्पिरेंट के लिए जिनको 1 अप्रैल का डेट हो रहा है बहुत मुश्किल है, यहाँ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, आईपीएल देखो अभी तो जो भी होगा 1 अप्रैल को पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना यार अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिनको अगर डाउट हो रहा है ना कि मैं कट ऑफ किसी से कॉपी कर रहा हूँ, तो एक बार जाके चेक करना, 2021-22 और ये तीसरा साल है, ठीक है, हर बार मैंने कट ऑफ शेयर करी है मेरे चैनल पे अच्छे से, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर सही लगी आपको तो मैं SBI क्लर्क की भी मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा,
ठीक है, ओके, गुड लक एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्प करेगा, स्टडी वाली वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिलेगी इस चैनल के थ्रू, तो शेयर कर लो, ठीक है, ओके, गुड लक एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।